Do you want to know? सबसे आप पहले आपको एक कप लेना है, उसमें आपको शुगर और बेकिंग सोडा डालना है। शुगर आपको डालनी है 4 चम्मच और उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि अनुपात 4:1 का होना चाहिए। ये अनुपात को सही रखना ज़रूरी है, अगर अनुपात सही नहीं होगा तो आपका जो जो आप बनाना चाह रहे हैं ब्लैक स्नैक वो भी नहीं बन पाएगा। उसके बाद प्लेट में मिट्टी डालिए और रबिंग अल्कोहल थोड़ा उस पर डाल दीजिए। उसके बाद अपना मिक्सचर वहाँ पर डालिए जो बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर, और फिर आग लगा दीजिए। आग लगाने पर ध्यान रखें कि आपके पास आग बुझाने के सारे उपकरण होने चाहिए और बच्चे इससे दूर रहें। आप देख सकते हैं किस प्रकार से एकदम से ये बाहर निकल के आ रहा है। ये एकदम से नहीं होता एक्चुअली, इसमें टाइम लगता है। एक बात ध्यान रखना है कि चीनी और बेकिंग सोडा का अनुपात सही होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है, और हवा में ये आप प्रयोग ना करें, क्योंकि हवा में करेंगे तो ये बार बार आपकी जो आग है बुझ जाएगी और ये जो मेन आपका मटेरियल है जलने वाला मिक्सचर है वो गर्म नहीं हो पाएगा और वो हो नहीं पाएगा। तो देख सकते हैं यार ये कितना औसम है, ये देखते देखते कितना बड़ा बन गया है। आप भी ऐसे घर पर बना सकते हैं, इन दोनों चीज़ों का यूज़ कीजिए और ध्यान से इसको करिएगा तो ये ज़रूर आप बना पाएंगे। एक दो अटेम्प्ट मेरे को भी लगे थे इसमें सही अनुपात देखने में, और ये लास्ट में आप देख सकते हैं कि कैसा बन गया है, कितना बड़ा है। मैंने यूट्यूब पर इतना बड़ा अभी तक नहीं देखा है। इसके बाद आप इसको अलग कर सकते हैं, ये बेस से जुड़ा हुआ है, अलग करिए। शुरुआत में इसको टच मत कीजिए, गर्म रहता है क्योंकि, थोड़ा इसको ठंडा होने दीजिए, उसके बाद इसको टच कीजिए और बाद में आप इसको क्रश भी कर सकते हैं। यार वीडियो अगर आपको ठीक ठाक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी बहुत सारी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।